में। तो बाबा साहब ने ऐसे क्या काम कराया जो आप उनका प्रोग्राम देखने आई हैं, सुनने आई हैं? उन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा है, हमें पढ़ने लिखने का बराबर का हक दिया है। पहले हमें कहीं नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब हम हर जगह जा सकते हैं, आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के हर काम कर सकते हैं, उनके बराबर में बैठ सकते हैं। पहले हमें कोई कुछ नहीं समझता था। तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे को पढ़ो और मेरी बातों को याद करो, लेकिन बाबा साहब ने ये जो मूर्ति पूजा, करवा चौथ वगैरह, इनके लिए सबके लिए मना करा था। आप लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं? हम कुछ नहीं करते। आप नहीं करते? तो आपको बाबा साहब ने पहले से पढ़ा है? तो मेरे बेटा आता है हर प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा, मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ। तो आप ऐसा कोई व्रत वगैरह नहीं करती हैं? कुछ नहीं करते। हमारे घर में ना कोई मंदिर है, ना कोई मूर्ति है, कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगी हुई है। बाबा साहब की फोटो लगी हुई है और बुद्ध भगवान की लगी हुई है। तो आप महिलाओं से क्या अपील करेंगे कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा, सिर्फ बाबा साहब को? हम तो सबको यही कहते हैं, अपने बच्चों को हमने यही सिखाया है। औरों से क्या अपील करेंगे, महिलाओं से आप? हम तो सबको यही बोलते हैं क्या कि भाई कोई मूर्ति पूजा मत करो, अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं उन्हीं की सेवा करो। बड़े बूढ़ों की सेवा करो, वही है सब कुछ हमारे लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी माया देवी ने बताया कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा, और बाबा साहब के संविधान को पढ़ोगे तो बाबा साहब के संविधान में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और आपका उद्धार होगा, नौकरी मिलेंगी, और पढ़ लिख कर आप बहुत अच्छे हुनर प्राप्त करेंगे। तो मूर्ति पूजा को इन्होंने बहिष्कार किया है।